कविता इज हियर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ, जो एक ओर जहाँ आपका नॉलेज इनहेंस करेगी, वहीं दूसरी ओर आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति सहायक सिद्ध होगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, फ्रांस में पैदा हुए, भारत को अपनी कर्म भूमि बनाया, देश के उद्योग जगत का जाना माना नाम, भारत के पहले लाइसेंसधारी पायलट। ओके, ऑप्शन इज ए जे आर डी टाटा, बी घनश्याम दास बिरला, सी फिरोज शाह गोदरेज, डी धीरू भाई अंबानी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जे आर डी टाटा। ओके, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। संत रामकृष्ण परमहंस के शिष्य व युवा सन्यासी के नाम से जाने गए, 1893 में विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में भारत का डंका बजाया। एंड ऑप्शंस आर, फर्स्ट वन इज स्वामी राम तीर्थ, सेकंड दयानंद सरस्वती, थर्ड स्वामी विवेकानंद और डी राजा राम मोहन राय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्वामी विवेकानंद, दैट्स मीन सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन नंबर थर्ड, देश से अंग्रेजों के पैर उखाड़ने के लिए क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया, काकोरी कांड के जरिए अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी, चूल्हे मीन्स जड़ हिला दी और हंसते हुए फांसी पर झूल गए। ओके, तो ऑप्शंस हैं फर्स्ट वन चंद्रशेखर आजाद, सेकंड खुदीराम बोस, थर्ड राम प्रसाद बिस्मिल और फोर्थ ठाकुर रोशन सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर सी राम प्रसाद बिस्मिल। ओके, नेक्स्ट वन है नंबर फोर्थ क्वेश्चन इज, फारसी मूल के भारतीय बुद्धिजीवी व कांग्रेस के संस्थापक सदस्य, ब्रिटिश संसद में बतौर सांसद जगह पाने वाले पहले एशियाई, फिरोज शाह मेहता, दीन सा चा, थर्ड रतन जी दादा भाई टाटा और डी दादा भाई नरोजी। तो इसका राइट और करेक्ट आंसर क्या है? दादा भाई नरोजी, ठीक है, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन नंबर फिफ्थ, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, नाम जरूर सुना होगा आपने, लेकिन इस बात की भी जानकारी जरूरी है कि मूल रूप से किस देश से संबंध रखती थी। ओके, तो ऑप्शंस आर, फर्स्ट वन इज ब्रिटेन, सेकंड आयरलैंड, थर्ड जर्मनी एंड फोर्थ इज अमेरिका। तो सी कनेक्टेड टू आयरलैंड, दैट्स मीन ऑप्शन नंबर वी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर सिक्स, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का प्रेरणादायी नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष सैद्धांतिक मतभेदों के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किनारा कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और पूरी श्योरिटी है कि ये आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो ऑप्शंस हैं इन 1937, इन 1938, नेक्स्ट 39 एंड लास्ट ऑफ ऑल 40। तो वर्ड्स विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट्स मीन 1939। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, 1857 दैट्स मीन इन 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम की पहली चिंगारी सिपाही मंगल पांडे की बंदूक से बैरकपुर परेड मैदान कलकत्ता में भड़की और देखते ही देखते बाकी देश में फैल गई। सिपाही मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया फौज की किस रेजिमेंट से संबंध रखते थे?
तो हुआ ना ये क्वेश्चन बाल की खाल निकालने वाला। तो चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, सेकेंड 11 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, नेक्स्ट 29 बॉम्बे आर्मी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट वन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 इज महात्मा गांधी ने पहली बार देश में किस आंदोलन से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की? ओके, तो ऑप्शंस हैं चंपारण व खेड़ा आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ओके नेक्स्ट डांडी मार्च और डी बारदोली आंदोलन। तो इसका पर्टिकुलर आंसर क्या होगा? इसका पर्टिकुलर और एक्यूरेट आंसर है ऑप्शन ए चंपारण व खेड़ा आंदोलन। बहुत इजी क्वेश्चन था ये और आई थिंक आपको इसकी जानकारी भी रही होगी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 9th, ठीक है, इसमें कोई सिंपल भी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड भी है और कोई इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9th इज बंकिम चंद्र चटर्जी कृत आनंद मठ से लिया गया गीत वंदे मातरम राजनीति संदर्भों में पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वरबद्ध ढंग से गाया गया? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस इज ए 1891 नागपुर अधिवेशन, बी 1896 कलकत्ता अधिवेशन, नेक्स्ट सी 1885 बॉम्बे अधिवेशन और डी 1911 कलकत्ता अधिवेशन। इसमें दो चीज़ क्लियर हो रही है कि डेट भी है और पर्टिकुलर इवेंट भी है। ओके, तो ये भी जो है कॉम्बिनेशन है ये भी आपके लिए, इसके जो ऑप्शंस हैं वो भी आपके लिए यूजफुल हो सकता है कि नागपुर अधिवेशन कब हुआ 1851 में, कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ और बॉम्बे अधिवेशन की जिसमें कांग्रेस की क्या कहते नींव रखी गई थी। ओके, तो ये सब भी इम्पॉर्टेंट है, आप उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 1896 कलकत्ता अधिवेशन। अब आ चुका है लास्ट क्वेश्चन। ओके, लास्ट बट नॉट लिस्ट। ओके, मैं तुम्हें आज ऐसा हथियार देने जा रहा हूँ, एक स्टेटमेंट है ये कि मैं तुम्हें आज एक ऐसा हथियार देने जा रहा हूँ जिसके सामने ना तो ब्रिटिश हुकूमत की कोई भी साथ है और ना उसकी ताकतवर फौजों की, और ये हथियार है अहिंसा का। अपने संगठन खुदाई खिदमत गार की स्थापना करते हुए किसने इन शब्दों के जरिए शिवोत्तर भारत में अहिंसात्मक आंदोलन की नींव डाली? ऑप्शंस ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, सी सर सैयद अहमद खान और डी आगा खान। तो इसका पर्टिकुलर और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने विचार जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे मुझे सेल्फ मोटिवेशन मिले कि ताकि मैं आगे आपके लिए और ऐसे ही एफर्ट्स कर सकूं। ओके, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।